कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की और अधिक सख्ताई से पालन कराने के लिए अब रेवाड़ी पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया है। शनिवार को डीएसपी जय सिंह ने ड्रोन के जरिए पूरे शहर का जायजा लिया और गलियों व मेन बाजार की गतिविधियों पर भी नजर रखी। डीएसपी जय सिंह ने कहा कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला पुलिस अभी तक पूर्णतया सफल रही। उन्होंने कहा कि फिर भी कुछ लोगों की घरों से बाहर गलियों में घूमने की शिकायतें मिल रही थी। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। डीएसपी ने साफ किया कि लॉकडाउन में वो ही व्यक्ति घर से बाहर निकल सकता है जिससे बहुत आवश्यक काम हो। अभी तक 18 दिन के लिए लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस कामयाब रही। अब शहर की गलियों व मेन बाजारों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की सहायता ली जा रही है। डीएसपी जय सिंह ने खुद ड्रोन उड़ाकर शहर का जायजा लिया है। ये इसमें डीसी साहब ने आदेश दिए हैं कि भी प्रत्येक जो जिला रेवाड़ी में रहने वाले मास्क का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है, इसके बचाव के उपाय। दूसरा जो बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह है वो बेचे जा रहे थे, ऐसी सूचना मिली थी, उसके आधार पर हमने ये चेकिंग अभियान किया। जो भी इस तरह की कार्रवाई होगी लीगल तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। सर बताया जा रहा है जैसे कि शहर की गलियों के अंदर कुछ गोदाम इस तरह के तंबाकू के बने हुए हैं, गुटखा के बने हुए हैं, तो उनको लेकर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? हाँ, जो भी सूचना आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल मुस्तैद है। जो भी सूचना मिलेगी सूचना के आधार पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी इनपुट अभी हमें कोई प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी हम नजर बनाए हुए हैं, अगर इस तरह की कोई बात होगी कार्रवाई करेंगे। सर एक जो छोटी दुकानों पर अक्सर देखा जा रहा है कि महंगे दामों पर इस तरह के तंबाकू और ये जो सब कुछ बिक रहा है, तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? अभी आप लोग भी साथ में देख ही रहे हैं, ऐसी कोई बात के सामने आई नहीं है। आएगी तो उनके फिर 188 की कार्रवाई जो बढ़ती है। सर अभी कुछ देर पहले हम सट्टा बाजार में गए थे, वहाँ धड़ल्ले से जो है तंबाकू और तंबाकू से बनी चीजें बिक रही थी, लेकिन वो हमें देख के उन्होंने अपना स्टॉक डाउन कर लिया। उस पर भी और ध्यान देंगे, अगर कोई इस तरह की कार्रवाई हो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। ठीक है।